हाँ जी देखो चैप्टर आप पकड़ रहे हैं मैट्रिक्स कॉलम, ठीक है मैट्रिक्स के अंदर सही आ रही है ना। मैट्रिक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ सम रो एंड एंड सम कॉलम, कुछ रो और कॉलम का मटेरियल जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो है। हाँ स्ट्रक्चर मैट्रिक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ सम रो एंड सम कॉलम, जैसे अपने पास स्टार्टिंग से बात करें जैसे आप लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी रोल नंबर की, फिर उसके अंदर नेम हो फादर नेम हो, ऐसे कॉलम पहले से ऑलरेडी तैयार कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर मदर नेम हो गया, लाइक इस तरह से हम उसमें डाटा फीड करना शुरू कर देते हैं किसी का भी नाम फादर नेम मदर नेम ऐसे सेकेंड डाटा फीड किया तो ये सारी रो बननी तैयार हो गई और ये हमने ऑलरेडी पहले से ही कॉलम तैयार कर रखे हैं, यानी इनको कॉलम बोलते हैं अपन, जिसके अंदर हम जितनी मर्जी रो बना सकते हैं। फर्स्ट डाटा डाल दिया, सेकंड डाल दिया, थर्ड डाल दिया, फोर्थ डाल दिया, जितने मर्जी लोगों का डाटा डाल दिया। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जिसके अंदर ये आपकी फर्स्ट रो होगी, ये आपकी सेकेंड रो होगी और ये आपकी थर्ड रो होगी। जैसे फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो, और ये अपना फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, कितनी मर्जी रो और कितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं। मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉर्डर पे डिपेंड होता है, बॉर्डर मतलब m into n order, जिसमें आपका m बताता है इसमें कितनी रो है और n बताता है इसमें कितने कॉलम है। m इज द नंबर ऑफ रो, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। मान लो आपके पास यही है, कितनी रो थी, थ्री रो थी, कॉलम कितने थे, फोर थे, तो थ्री इंटू फोर ऑर्डर हो गए। तो थ्री इंटू फोर यानी कि थ्री इंटू फोर होता कितना है, एक्चुअल में तो 12 होता है, इसका मतलब इसके अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर m into n order, जिसमें m बताता है नंबर ऑफ रो को, n बताता है नंबर ऑफ कॉलम को। फिर आ गया एलिमेंट्स के ऊपर, अब हमको पता तो चल गया उसके अंदर 12 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए आई जे, एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल ए आई जे से डिनोट होते हैं, स्मॉल ए आई जे। स्मॉल ए आई जे जिसमें आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आई मतलब इसमें कितनी रो है, आई मतलब इसमें कौन सी रो, जे मतलब कौन सा कॉलम। सपोज आपके पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के लिए हमेशा ये वाली ब्रैकेट यूज होती है, ये ब्रैकेट यूज नहीं होगी, ऑलवेज यही होगी। तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये कॉलम फर्स्ट है। अब क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, रो फर्स्ट ही है ना, कॉलम भी फर्स्ट ही है, इसलिए अपना ये एलिमेंट कौन सा होगा, इस एलिमेंट का नाम A11, क्योंकि रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट A11 होगा। नेक्स्ट वाला रो तो फर्स्ट ही रहेगी और कॉलम सेकंड आ गया तो 1, रो तो फर्स्ट ही रहेगी 1, 3 आ गया, नेक्स्ट वाला 2, 1 होगा, नेक्स्ट 2, 2 होगा, नेक्स्ट 2, 3 होगा, ओके। फिर इसके बाद ये अपनी थर्ड रो आ गई तो 3, 1 हो गया, नेक्स्ट 3, 2 होगा, नेक्स्ट 3, 3 होगा। तो एलिमेंट जो होते हैं वो स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए नहीं देना, नाम स्मॉल ए, कैपिटल ए किसी और चीज के लिए नाम किया जाएगा। ए आई जे इसमें आई भी प्रेजेंट टू रो, जे भी प्रेजेंट टू कॉलम। अब आ जाओ इसके टाइप्स। अब ये तो मैंने एक 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया है, आप जितने मर्जी जैसे मर्जी ऑर्डर का बोले आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट रो है, ये अपनी सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, आप आगे बढ़ोगे तो फोर्थ कॉलम आ जाएगा। कहने का मतलब ये लाइन होगी 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे चलता जाएगा, ये वाली 21 वाली लाइन होगी, ऐसे भी समझ सकते हो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, next 3, 1, 3, 2, 3, 3 चलता जाएगा, ठीक है।
टाइप्स में सबसे पहला मैट्रिक्स आती है कौन सी, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, m इंटू n ऑर्डर, जिसमें ओनली m इक्वल टू 1, जिसमें एक ही रो, जिसमें एक ही रो होगी उसको अपन रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिसमें एक ही कॉलम होगा उसको अपन कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। m इंटू n ऑर्डर जिसमें n इक्वल टू 1, ओनली n इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या दें भैया अपन, जैसे 1 into 2 का, 1 into 3 का, ये तो रो मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर एक ही रो है। और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी, जैसे 2 into 1 का, 3 into 1 का, ये अपने कॉलम के एग्जांपल हो गए। फिर आ जाओ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये जो भी रो और कॉलम की मैंने एग्जांपल लिखी है वो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मतलब जिसके अंदर रेक्टेंगल शेप बने। रेक्टेंगल शेप कौन सी होती है, इसकी एल और बी कभी सेम नहीं होती ना, तो एम इंटू एन ऑर्डर जिसमें एम और एन सेम ना हो उसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगी एम इंटू एन ऑर्डर वाली, जिसमें एम और एन आपस में इक्वल नहीं होते। ये जो ऊपर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के जो एग्जांपल लिखे थे वो आपके रेक्टेंगुलर की तो एग्जांपल है। क्या 1 into 3, 1 into 2 क्या एम और एन आपस में इक्वल है, नहीं ना, इसलिए ये दोनों सेम ना होने की वजह से आप इस रो मैट्रिक्स इस कॉलम मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ओके, फिर आ जाओ नेक्स्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, सारा चैप्टर अगले दो चैप्टर ही डिपेंड है उसके ऊपर, उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स m into n ऑर्डर वाली, इसमें m और n आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ अपने सिलेबस में 3 ही है, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 1 into 4 की नहीं मिलेगी, बस 3 into 3 लास्ट है। रो मैट्रिक्स होगी, कॉलम होगी, रेक्टेंगुलर होगी, स्क्वायर होगी, फिर लगातार 3 आएंगी। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर कौन सी होती है, m into n order वाली, जिसमें m और n equal होते हैं। तो diagonal सिर्फ m into n order, जिसमें मतलब ये तो कोई एक ही one row one column, मतलब एक ही row और एक ही column है, like this। जैसे मैंने किसी बच्चे का सिर्फ name ही लिखा, name का column एक ही है, ना उसके father का नाम लिखा, ना उसकी mother का नाम लिखा, ना उसका कोई roll number लिखा, एक ही row है और एक ही column है, इसलिए आप इसको बोलते हैं 1 into 1 order वाली, m into n वाली, ठीक है। फिर आ जाओ 2 into 2 order की, like this होगी, इसमें 2 row 2 column, 3 into 3 वाली इस तरह से होगी, इसमें 3 row 3 column हो। तो अपने पास ये वाली diagonal में नहीं हम लेंगे, हम diagonal में सिर्फ ये दोनों के साथ काम करेंगे, यानी only 2 into 2 और 3 into 3 ही matrix जो है वो diagonal में count हो सकती है। diagonal matrix वो होती है जिसमें only ii elements अक्कर, ii मतलब आई मतलब आई की जगह 1 डालोगे तो आई की जगह वहां पे भी 1 ही डालना पड़ेगा, यानी कि ओनली ए 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट अक्कर। और अगर 3x3 वाली होगी तो 1 1 2 2 3 3 बाकी सारे क्या होंगे, अदर्स आर 0। इसको बोलते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 हो गया, यहाँ पे मैंने 5 6 7 लगा दिया, सब अलग अलग, क्योंकि जब सारे एक जैसे ही हो गए ना, ये सारे एलिमेंट डायगोनल वाले सेम ही हो गए, तो हम उसको फिर अकेली डायगोनल नहीं बोलेंगे, उसका नाम चेंज कर देंगे, उसका नाम होएगा सारे 1 1 हो तो उसका नाम होएगा यूनिट मैट्रिक्स। ये है अपना इंपॉर्टेंट, पूरी टाइप्स में सिर्फ 2-3 ही काम आने वाली है, एक स्केयर मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स, एक यूनिट मैट्रिक्स और एक स्केलर मैट्रिक्स, 4 टाइप की सबसे ज्यादा, और एक इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि पहली एक्सरसाइज उसी के ऊपर डिपेंड है फर्स्ट एक्सरसाइज। फिर आ जाओ यूनिट मैट्रिक्स पे, ये मेन सबसे मेन यूनिट मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आई से डी पहले होती है, जिसके यूनिट मैट्रिक्स होती तो डायगोनल ही है, पर यूनिट उसके डायगोनल के एलिमेंट यूनिट ही होते हैं, यूनिट को आप 1 बोलते हैं, इसलिए इसका नाम यूनिट मैट्रिक्स होता है। और ये वाला दूसरे वाली I3, ये तो I2 होगी, I3 वाली 1 0 0 0 1 0
001, ये I2 होगी और ये I3 होगी, ठीक है? सब लोगों को समझा रहे ना भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। I रिप्रेजेंटिंग, ये जो 2x2 की है उसको I2 से लिखा जाता है, जो 3x3 की है उसको I3 से लिखा जाता है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर वो डेरिवेटिव वाले चैप्टर में हमने प्लस वन में भी देखा हुआ है, डेरिवेटिव में वो जो कॉन्स्टेंट नहीं होता उसको मैट्रिक्स के अंदर, कॉन्स्टेंट को मैट्रिक्स के अंदर स्केलर नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स वही होगी जो है तो डायगनल, डायगनल में सारे एलिमेंट अलग अलग हो तो वो डायगनल है, सारे एग्जैसिव हो वन वन हो तो यूनिट है, सारे एग्जैसिव हो बट वन वन ना हो करके 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो तो 4 0 0 4, या फिर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इनको बोलते हैं अपन स्केलर मैट्रिक्स, जिसके डायगनल के एलिमेंट वन वन जब सारे अलग अलग हो तो उसका नाम डायगनल है, ठीक है। यूनिट और सारे स्पेशल हो गए, वन वन ही हो गए, वन वन की जगह कुछ और आ जाए पर आए सेम सेम, इसलिए उसका नाम स्केलर, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर बन जाएगा 1 0 0 1, यानी कि 4 i, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखो 4 i, ये हो गया अपना 4 i, ये हो गया अपना 2 कॉमन ले लेंगे तो, अगर इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी इसको आप बोल सकते हैं 2 i बस, ठीक है ये। और एक लास्ट टाइप, दो मैट्रिक्स को अगर कंपेयर कर सकते हो तो उसको बोलते हैं कंपेयरेबल मैट्रिक्स। कंपेयर किसको कर सकते हो आप, आर्ट्स वाले बच्चे को कॉमर्स वाले बच्चे के साथ मार्क्स कंपेयर कर सकते हो, कोई स्ट्रीम ही अलग अलग है तो, यानी कि आप दो मैट्रिक्स को कंपेयर कब कर सकते हैं, जब ऑर्डर सेम होगा तो फिर अगला टाइप अपना कंपेयरेबल मैट्रिक्स ही है। नेक्स्ट टाइप अपना कंपेयरेबल मैट्रिक्स, तो कंपेयरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है, व्हेन ऑर्डर सेम, दो मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम होंगे तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। भाई आप कहोगे सर हम 2x2 ऑर्डर वाली 3x3 के साथ कंपेयर कर लेंगे, आप क्यों कर लोगे भाई, ऑर्डर ही सेम नहीं है, अगर अपने ऑर्डर सेम होंगे तभी आप कंपेयर कर पाएंगे ना, ठीक है ना। फिर आ जाओ नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स। पहले तो हमने ऑर्डर चेक किए, कंपेयर किया, जब हमने कंपेयर कर लिया ना, कंपेयर करने के बाद हमने ये देखा कि अब अपना क्या ये एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट सेम होंगे तो जैसे हमने कंपेयर कर लिया भाई, आर्ट्स वाला बच्चा साइंस वाले बच्चे के साथ कंपेयर करने की कोशिश की, वो सेम कंपेयर हो ही नहीं सकते। फिर अगर वो कंपेयर अगर मान लो हो गए, कौन से कंपेयर होंगे, आर्ट्स वाला तो आर्ट्स वाले के साथ ही कंपेयर होगा, कॉमर्स वाले के साथ ही कंपेयर होगा। फिर हमने उनको कंपेयर करते वक्त ये देखा कि उनके सब्जेक्ट के मार्क्स भी सेम आ रहे हैं, इंग्लिश, अकाउंट, इको, बिजनेस स्टडी, मैथ, सारे मार्क्स सेम हुए, तब आप बोलेंगे उसको इक्वल। इसलिए इक्वल मैट्रिक्स कौन सी हुई, व्हेन ऑर्डर एज वेल एज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, तब आप उसको बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी उसके सेम होने चाहिए, तब आप उसको इक्वल मैट्रिक्स में काम लेंगे। ये आपका लास्ट टाइप है, वैसे एक बीच में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आती है पर उसका कोई काम नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है उसके बारे में ज्यादा। अब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3.1 एक्सरसाइज में यही काम है, इक्वल मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा काम है और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने वाला। तो एक दो एग्जांपल करके दिखाता हूं, टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3, और पहले तो आप ये थोड़ा सा ना रफली स्केच बना लिया करो, 2 into 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का मतलब कितनी रो और कितने कॉलम है, हाँ 2 रो है और 3 कॉलम है,
अब अपने को साफ साफ पता चल गया कि यहाँ पर आपके पास सिक्स एलिमेंट निकालने वाले हैं। सिक्स एलिमेंट कौन कौन से, इस जगह का नाम हमने पहले ही सीख लिया, इसका नाम है आपका A11, A12, A13, A21, A22 और A23। तो ये अपने को सिक्स एलिमेंट्स निकालने हैं। A11 कैसे निकालेंगे, बस आई और जे की जगह 1 डाल दो, A11 आ गया, आई की जगह जे और जे की जगह 1 डालोगे तो 1 और 1 डालोगे तो आई की जगह 1 और जे की जगह 1, दोनों डाल के हमने 2 का स्क्वायर 4 निकाल लिया। फिर 1-2 निकालने की बात हुई तो 1+2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर 1-3 निकालने की बात हुई तो 1+3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। फिर नेक्स्ट 2-1 निकालने की बात आई, क्योंकि ये सारे एलिमेंट निकालने, 2-1 का मतलब आई की जगह 2 और जे की जगह 1 डाल दिया, 2+1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। फिर 2-2 की बात आई तो 2+2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आ गया। फिर 2-3 की बात आई, 2+3 का स्क्वायर 25 आ गया। सारे एलिमेंट निकल गए, उसको एक अच्छी सी मैट्रिक्स के अंदर खुला खुला लिख दो। ये मैट्रिक्स किसी ना किसी कैपिटल अल्फाबेट के नाम से डिनोट होगी, कैपिटल ए हो, कैपिटल बी हो, कुछ भी हो। तो ए इज इक्वल टू अपने ये जितने भी आपके एलिमेंट्स आए हैं 4, 9, 16, 9, 16, 25, ये आपका मैट्रिक्स का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ए आई जी देकर के आपको कोई भी मैट्रिक्स बनाने को बोली जाएगी तो आप ऐसे बना सकते हैं। ऐसे हमारे 2-3 क्वेश्चन आए पड़े हैं, बुक के अंदर ही है, एक्सरसाइज के अंदर है, हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं एक छोटा सा 1 मार्क्स का सवाल आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर एक मैट्रिक्स के अभी आपने 2×3 की बनाई, 2×3 का मतलब कितने, 6 एलिमेंट निकले, 2×3 का मतलब हमारे पास 6 एलिमेंट्स थे। क्या मैं आपसे ये दोबारा पूछ लूँ कि इफ एलिमेंट्स अगर 6 है तो, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज 6 है, पॉसिबल अगर किसी मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट 6 हैं, पॉसिबल ऑर्डर बता दें तो क्या जरूरी है 6 बनता है? यानी अपना एक तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि अपना पहला क्वेश्चन यही है एक्सरसाइज के अंदर कि एक मैट्रिक्स के जो हैं वो पॉसिबल ऑर्डर निकालने थे, और पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए आपको पहले वो स्टेटमेंट पढ़ी है, हमने स्टेटमेंट पढ़ के कितने 6 एलिमेंट है तो 6 के हिसाब से बना दिए। 6 के कितने पेयर बनेंगे, एक मिनट बुक खोल लो पहले। हाँ, अब आ गई एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अंदर तो क्वेश्चन है 18 एलिमेंट्स वाला, और मैंने एक 6 वाला लिया, तो 6 बनता है 2×3 से, 3×2 से, 1×6 से और 6×1 से। और अपनी एक्सरसाइज के अंदर 18 एलिमेंट्स वाला ही बनानी है पॉसिबल ऑर्डर, तो 18 बनता है 1×18 से, 2×9 से, 3×6 से एंड 6×3 से, बस हो गया क्या? हाँ, 9×1 भी तो होगा, सॉरी 9×2 भी तो होगा और 18×1 भी तो होगा। ठीक है, जिस से आप ये बन सकते थे, ये अपने 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, थर्ड मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्सरसाइज के 6 हम से स्टार्ट आ जाते हैं, इक्वल वाले का, इक्वल दो मैट्रिक्स इक्वल हो। सिक्स क्वेश्चन से इफ या टू फाइंड एक्स वाई, सिक्स क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई और जेड भी है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और कह रहा है कि एक मैट्रिक्स इक्वल है 2x 1 5 x plus 2y is equal to हमारे पास 415 4150। ठीक है भाई, यहाँ तो इक्वल पहले ही दे रखा है, जो इक्वल दे रखा हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में बराबर रख सकते हैं, बराबर रखेंगे तो क्या होगा, पहला पहले का इक्वल, सो एक्स इक्वल टू 4 1 इक्वल टू 1 1 इक्वल टू 1 तो नहीं होते ही है क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू इससे थोड़ी है, 5 इक्वल टू 5 पढ़ाई है, लास्ट वाले की इक्वल रखा तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे डाल दो, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये अपने 3.1 के सारे सम इक्वल वाले हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखी है और दोनों को कंपेयर करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकाल देनी है। ओके, सारे हो जाएंगे ना। फिर आ जाओ मैट्रिक्स एडिशन सबट्रैक्शन, अगली एक्सरसाइज साथ ही बता रहा हूँ, दो एक्सरसाइज एटलीस्ट एक दिन में करो, ये वाली तो फिर आगे मल्टीप्लिकेशन वाली चाहिए आप 2-3 दिनों में कर लेंगे। 3/2
मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम. अगर ऑर्डर सेम होगा तभी आप कंपेयर कर सकते थे. अगर ऑर्डर सेम था तभी आप वो दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रख के पहला पहले के इक्वल रखा दूसरा दूसरे. उसी तरह मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल होगा अगर ऑर्डर सेम होगा. 1, 2, 3, 5 और वो वाला 2, 0, 7, 3. अब इन दोनों को मैंने कह दिया आपको ए प्लस बी करो तो कर दो भाई. 1, 2, 3, 5 प्लस 2, 7, 0, 3 प्लस करो तो कितना आएगा 3 आ गया. फर्स्ट में ऐड होगा सेकंड में ऐड होगा. ठीक है 3 और 7, 10 हो गया. 5 और 3, 8 हो गया. ये अपने दो मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे. अगर अपने को ये बोलते हैं तो 2 माइनस 3 भी तो आप ए का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और बी का मल्टीप्लाई 3 से पहले करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 2 into a की जगह a डाल दिया 1, 2, 3, 5 और 3b की जगह b डाल दिया 2, 0, 7, 3 तो 2 के अंदर तो 2, 4, 6, 10, 3. कई बच्चे ना कई बच्चे माइनस का भी साइन अंदर ले जाते हैं. अब माइनस नहीं अंदर ले जाना सिर्फ 3 ही अंदर ले जाना. ठीक है 3 के अंदर तो क्या होगा 6, 0, 21, 3, 3, 9. ये माइनस नहीं अंदर बेना माइनस बार पड़ा रहने दो प्लस बार पड़ा रहने दो. आप अपना सिर्फ ठीक है सिर्फ जो बाहर मल्टीप्लाई पड़ा था ना उसको स्केलर एलिमेंट बोलते हैं. सिर्फ स्केलर एलिमेंट ही अंदर लग जाना. रिजल्ट कितना आ गया 2, 4, 6, 10 सॉरी माइनस कर ही देते हैं तो 2 - 6 - 4, 4 - 0, 4, 6 - 21, - 15, 10 - 9. ये लो जी चाहे 3 मैट्रिक्स कर दो 3 मैट्रिक्स कर दो 2 को बोल दे 2 को कर दो. ये अपने 3.2 एक्सरसाइज के समझो. ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन में यही है 2 मैट्रिक्स को ऐड ही करना है फर्स्ट में भी यही सेकंड में भी यही है थर्ड पार्ट में भी यही है सेकंड क्वेश्चन में यही है. जैसा ब्रैकेट में गए पहले ब्रैकेट के हिसाब से चलो. मान लो ये सेकंड क्वेश्चन में आपको कह दिया कि 2a - 3b और माइनस सी निकालो ये कह दिया. इसका मतलब आप क्या करेंगे हेलो हाँ जी हाँ जी नमस्कार अच्छा 2a - 3b - c है तो a की जगह a डाल दो 3b की जगह b डाल दो जो रिजल्ट आ जाए उसमें c सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है प्रैक्टिस करो तो पता चलेगा. जैसे अपना एक सम है फिफ्थ एक्सरसाइज का ए मैट्रिक्स दे रखी है a इक्वल टू diag का मतलब डायगोनल है 2 - 5, 2 - 5 और 9. इसको अपना ऐसे लिख सकते हैं 2, 0, 0, 0, - 5, 0, 0, 0, 9. ये ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है उसने 2 - 5, 9 डायगोनल. डायगोनल का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं तो अपन इनको डायगोनल में ऐसे लिख के दे दिए. ठीक है ए दे रखा है ऐसे बी दे रखा है बी भी मैट्रिक्स दे रखे डायगोनल में समथिंग कुछ. फिर वो कह रहा है जो ए और बी को प्लस करो तो प्लस करो. मतलब मेरा मकसद ये था मैंने आपको ये डायगोनल वर्ड को सही करवाना. ठीक है और इसमें भी ना सॉल्व वाले सम आए पड़े सिक्स सम में आए पड़े सॉल्व द फॉलोइंग. सॉल्व कैसे करना है सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना या जो भी दे रखा है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना. जैसे ये दे रखा है एक्स वाई जेड टी आगे क्या है प्लस 3 1 - 1, 0 कितना है 2 इक्वल टू है अपने पास 3 एंड 3, 4, 5, 6. लो जी पहले आप मल्टीप्लाई 2 का कर देते हैं अंदर फिर उधर मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं फिर इधर वाला 3 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर इनको ऐड कर लेते हैं. ये कितना बन गया 2x
इन दोनों का प्लस किया कितना बन गया 2x प्लस 3 2y माइनस 3 एंड 2z प्लस 0 एंड 2t प्लस 6। फिर आप इनको कंपेयर कर लेते हैं 9 12 15 और 18। पहला पहले के इक्वल रख दो, दूसरा दूसरे के इक्वल रख दो, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x y z की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा सम हमारे पास 6th 7th और 6 7th तक है, 6 7th और 8th है ना। इतनी कर ले बस एक बार, है ना, इतने बहुत है। हाँ चलो इतने कर लो, कल कर लेंगे आगे हम लोग। नाइन तक कर लो भाई सारे, ठीक है।